आपको तो पता ही होगा आज का दौर मोबाइल का चल रहा है, लोग कैमरा लेने के बजाय फोन लेना पसंद करते हैं। इसका भी एक कारण है, आजकल की मोबाइल की कंपनियां ऐसे ऐसे फीचर्स निकालती है जिससे आपके काम मिनटों में बहुत ही जल्दी पूरे हो जाते हैं। आजकल जैसे कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम मोबाइल के माध्यम से होने लग गया है। जैसे अपन शॉपिंग करने गए, शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग की, अगर अपन के पास कैश नहीं हो तो अपन बारकोड के माध्यम से या UPI के माध्यम से उनको पेमेंट कर सकते हैं। आजकल का निजी जीवन में मोबाइल का उपयोग इतना बढ़ गया है, जैसे अपन को कैमरे में फोटो लेनी हो या अपने पास कैमरा नहीं हो तो अपन फोन के माध्यम से इतनी अच्छी फोटो ले सकते हैं। आजकल ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, पोको, टेक्नो, आजकल के बाजार में इन्होंने इतना अच्छा मार्केट कर लिया है। इनके फोन के फीचर्स जैसे चार्जिंग का एडेप्टर हो, चाहे चार्जिंग पावर हो, चाहे बैटरी हो, इनका इतना अच्छा आता है जिससे लोगों को देखते ही उनके अंदर फीचर्स देखते ही फोन पसंद आ जाता है। आजकल का मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। आजकल के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट 30,000 से 50,000 के अंदर बेस्ट प्रीमियम रेंज में लॉन्च करती है और बेस्ट फीचर्स देती है। ऐसे ही ओप्पो की रेनो सीरीज है जो प्रीमियम सेगमेंट के बड़े सेट को लॉन्च करती है। हाल ही में कंपनी ने लास्ट ईयर में रेनो 8 सीरीज को लॉन्च किया था, उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। अब कंपनी अपने फीचर्स को अपग्रेड करते हुए रेनो 10 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। ओप्पो की रेनो सीरीज प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है। इस सीरीज के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक तो रेनो 10 आएगा और इससे ऊपर एक रेनो 10 प्रो आएगा और इससे एक ऊपर बड़ा सेगमेंट में रेनो 12 प्रो प्लस आएगा। आइए करते हैं हम रेनो 10 प्रो की अनबॉक्सिंग। हम बॉक्स को करते हैं ओपन। ये देखिए बॉक्स ओपन हो रहा है। सबसे पहले ये पैकेट मिल रहा है, पैकेट के अंदर हमें कुछ चीज़ें दिख रही है। ओ भाई साहब, इसके अंदर कवर देखिए कितना शानदार कवर मिल जाएगा। और ये पिन है इसके अंदर, कुछ पर्चियाँ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है फ़ोन के बारे में। अब हम फ़ोन को ओपन करते हैं। ओ हो भाई साहब, फ़ोन देखिए ज़बरदस्त गॉर्जियस लुकिंग के साथ ये फ़ोन को अपन देख पा रहे हैं। AMOLED डिस्प्ले है इसके अंदर और फ़ोन के अंदर हमें एक 80 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। ये देखिए भाई साहब, 80 वॉट का चार्जर मिल जाएगा और केबल है इसके अंदर, केबल भी मिल जाएगी। रेनो 10 प्रो में आपको दो कलर मिल जाते हैं, सिल्वर ग्रे और ग्लॉसी पर्पल। इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस पंच होल कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगी जिससे फ़ोन आपका बहुत ही स्मूथ चलेगा और फास्ट चलेगा। इसमें आपको डायनेमिक कंप्यूटिंग इंजन मिल जाता है विच डिलीवर ए मोर स्टेबल स्मूथर एंड लॉन्ग लास्टिंग बेसिक एक्सपीरियंस। इससे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा और चलने में आसानी रहेगी जिससे आपका फ़ोन 4 से 5 घंटे आसानी से चल सकता है। इसमें आपको लेजर सेंट्रिक कैमरा मैट्रिक्स मिल जाता है और कैमरे की बात करें तो इसके अंदर 50 एम्पीयर का तो मेन कैमरा मिल जाएगा, 2 सेकेंडरी कैमरे मिलेंगे जो 32 एम्पीयर और 8 एम्पीयर का होगा और साथ में फ्लैश लाइट मिल जाएगी। अगर आप ओप्पो की वेबसाइट पर भी जाके देखते हैं, इन्होंने कैमरे को ही हाईलाइट किया है। 50 एम्पीयर का कैमरा है जिससे हमने कुछ फोटोज लिए हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला है। इसमें आपको सोनी IMX709 फ्लैगशिप सेंसर मिलता है जिससे आपकी फोटो कुछ इस प्रकार आएगी। कैमरे में कुछ कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं जैसे प्रो पावर मोड, पोर्ट्रेट मोड, प्रो पोर्ट्रेट मोड और ड्यूल वीडियो मोड जैसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। और अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर एक्स्ट्रा HD स्लो मोशन पैनोरामा भी मिलता है। हमने तो इसमें वीडियो बना के भी टेस्ट किया है। आप 4K में 30 FPS तक वीडियो बना सकते हैं और 1080 में 60 FPS तक वीडियो बना सकते हैं। अब रेनो सीरीज की बात आई है तो कुछ नयापन तो आएगा ही। ओप्पो ने इस बार कैमरे के अंदर OIS का फीचर्स को लॉन्च किया है। OIS का मतलब है ऑप्टिमम इमेज स्टेबलाइजेशन की मदद से अगर आप भाग के या दौड़कर वीडियो बनाते हैं तो आपका फ़ोन स्टेबल रहेगा। आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इस कैमरा के अंदर कितना जूमिंग दिया है और इतने दूर के बादल को इतने पास से देख सकते हैं और इसके अंदर बादल के अंदर जितना पानी है वो भी दिख पा रहा है। फ्रंट में आपको 32 एम्पीयर टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम्स इक्वल्स टू 71 mm में फोटो ले सकते हैं और 2x ऑप्टिकल जूम्स इक्वल्स टू 47 mm में फोटो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको टेलीफोटो के बारे में जानना तो आप अपनी स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसमें हमें 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा और साथ ही प्रीमियम केबल मिल जाएगी।
जब हमने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया तो कुछ इस प्रकार से चार्ज हो रहा था, बहुत स्पीड से फ़ोन चार्ज होता है। आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फ़ोन कितनी फास्ट तरीके से चार्ज होता है। अगर हम फोन की बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है, और आप अगर इस फोन को 10 मिनट चार्ज करते हैं तो कम से कम कई घंटों तक बात कर सकते हैं। ओप्पो रेनो सीरीज में कस्टमर की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर दिया है। ये एक 5G प्रोसेसर है और इसके साथ इसमें एडवांस लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। गेम की बात करें तो ग्राफिक्स HDR तक खेल सकते हैं और फ्रेम रेट अल्ट्रा पर चला सकते हैं, और इसमें काफी अदर फीचर्स भी है। तो चलिए करते हैं इस गेम को स्टार्ट और करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले अपन को बोर्ड मिल गया है, हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। फ़ोन के 778G प्रोसेसर के साथ तो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे और तगड़े मिल जाते हैं और खेलने में काफ़ी स्मूथ गेम प्ले है। गेम प्ले में कोई लैग नहीं, कोई बग नहीं, गेम एकदम मक्खन जैसे चल रहा है। इस फ़ोन की पीक ब्राइटनेस के साथ बंदों को ढूंढने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि ये बोर्ड मिल गया अपन को, इसको उड़ाना पड़ेगा सारा। मर 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 जा। अगर आप प्रो गेमर हो, BGMI और हाई ग्राफिक्स लेवल गेम खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। और ये एक और बंदा मिल चुका है और इसकी भी मैंने कवर खोद दी है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपको कलर OS 13.1 लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, जिससे आपको नए नए टाइप्स के इमोजी मिल जाते हैं और मनचाहे AOD मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं, जिससे अगर आपका फ़ोन लॉक होगा तब भी आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका फ़ोन बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। साथ ही साथ आपको एज लाइटिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे कोई भी मैसेज आता है तो आपको यूनिक तरीके से आपको पता चल जाता है। बाकी अलग अलग टाइप सी थीम भी मिल जाती है और काफ़ी तो इसमें फ्री भी और कुछ पेड मिल जाती है। इसमें 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, जिससे आपको फिंगरप्रिंट में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है।